एनडीए से बाहर होने के बाद बीजेपी के खिलाफ हुई शिवसेना ने भी मंगलवार को भारत बंद के लिए अपने तेवर हाई किए, पर उनकी सख्ती पर पुलिस की सख्ती भारी पड़ी। शिवसेना जिला प्रमुख बीरेंद्र अरोड़ा को उनके कोठीबाल नगर स्थित आवास पर नज़रबंद कर दिया गया। उनके साथ मौजूद 2 दर्जन से अधिक ग्राहकों को भी प्रदर्शन नहीं करने दिया। चक्का जाम और कृषि कानूनों के विरोध में शिवसेना बड़ा प्रदर्शन करने के विचार में थी। पुलिस के कड़े पहरे के बीच ये संभव नहीं हो सका। मौजूद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को एक ज्ञापन देकर उन्होंने अपनी बात भी कही। इस दौरान उपाध्यक्ष मुदित, कमल सिंह राव, अरुण ठाकुर, उमेश ठाकुर, राहुल जैन, सुरेश सैनी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं शिवसेना का जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा हूँ। क्या कार्यक्रम किया गया आपके द्वारा? आज कार्यक्रम ये था कि किसानों ने जिस तरह से पूरा भारत बंद किया था, शिवसेना का राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक पूरे शिवसेना के जिला प्रमुखों, महानगर प्रमुखों और तहसील प्रमुखों को जिम्मेवारी दी गई थी इस भारत बंद में समर्थन करने का। लेकिन इस लोकतंत्र में जिस तरह से सरकार ने एक खराब प्रक्रिया अपनाई, सुबह प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने घेर लिया शिवसेना के नेताओं को, मुझे भी घर में जिस तरह नज़रबंद करने की कोशिश करी गई, वो शिवसैनिक इस चीज़ों को किसी तरह बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हम इस कानून के विरोध में हैं। भले हम लोगों ने आज ज्ञापन यहाँ पर आकर के लिया, जिस तरह से आप देख रहे हो माहौल अधिकारियों ने और प्रशासन ने बनाया, इस ये लोकतंत्र का दमन है, इसके खिलाफ शिवसेना है, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप कितनी फोर्स लगाई गई आपके घर के बाहर? हमने सुबह 8 बजे मुझे लोगों को, हम लोगों को घेर लिया गया था और 140 का नोटिस शामिल करा दिया गया था।